चावल नहीं होता। एक काम, हमारा इंडिया में इतने सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है जो कि झूठ अफवाह फैला रहे विदाउट मनी ट्रैवल, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो ये बात बता चाहता हूँ कि इंडिया के अंदर आप कम से कम पैसों में कैसे घूम सकते हो। इस चीज़ को मैं अपने अनुभव को आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। और कैसे करने का सिस्टम है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कोई नहीं पे करना पड़ेगा। बस आपको अपना आधार कार्ड की फ़ोटो स्टेट करवाना है और वो सबमिट कराना है। और यहाँ का जो हेलो जी नमस्ते, मेरा नाम है अजीत, तो आप सबको स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल में। तो गाइस, मैं कर रहा हूँ भारत यात्रा। तो यात्रा करते हुए मुझे लगभग 2.5 महीना हो चुका है। तो 2.5 महीना मीन्स आज को मिलाकर मेरा 67-68 डे कंप्लीट हो चुका है। तो अभी मैं हूँ गोरखपुर और मेरे को घर से निकलो है 68 डे कंप्लीट हो चुका है। और मैं वेस्ट बंगाल, बिहार और यूपी का टूर ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुका हूँ। तो अभी मेरा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है उत्तराखंड। तो यहाँ से मैं डायरेक्ट उत्तराखंड के लिए यहाँ से यात्रा करने वाला हूँ। और मैं विदाउट मनी ट्रैवल नहीं आपको कह सकता हूँ, क्योंकि विदाउट मनी ट्रैवल नहीं होता। एक का हमारा इंडिया में इतने सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है जो कि झूठ अफवाह फैला रहे विदाउट मनी ट्रैवल, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो ये बात को आपको मैं पहले ही मना कर देता हूँ कि मैं विदाउट मनी ट्रैवल नहीं कर रहा हूँ। और विदाउट मनी ट्रैवल नहीं होता है। अगर कोई बंदा वीडियो देख के विदाउट मनी ट्रैवल करना चाहता तो प्लीज़ उस भाई से मेरा रिक्वेस्ट है तो मत करें, क्योंकि विदाउट मनी ट्रैवल आज का डेट पे नहीं होता है। तो मैं ये चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि इंडिया के अंदर आप कम से कम पैसों में कैसे घूम सकते हो। इस चीज़ को मैं अपने अनुभव को आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। और कैसे हम विदाउट मनी कम से कम पैसों में हम अपना कंट्री को कैसे घूम सकते हैं विदाउट मनी, तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ये चीज़ को आपको मैं बार बार रिपीट करके कहना चाहूँगा। और कम से कम पैसों में हम कैसे इंडिया के अंदर ट्रैवल कर सकते हैं, वो भी बढ़िया तरीके से, अच्छे तरीके से। और जैसे लोग पैसे खर्च के एक डेस्टिनेशन को कवर करते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें कवर करते हैं, उतना चीज़ हम कर नहीं पाएंगे, लेकिन उस जगह को हम विजिट कर सकते हैं कम से कम पैसों में। मेरा जो अपना एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। और ये चीज़ हम लोगों को बताना जरूरी था ताकि लोगों को भी पता चले कि इंडिया के अंदर आपको ट्रैवल करना तो आपके पास लाखों हज़ारों रुपये की नहीं ज़रूरत है। आप कम से कम पैसे पे भी दुनिया घूम सकते हो चाहो तो, और आप अपना मन बना लो तो। तो मेरा जो कंसेप्ट है भारत यात्रा और ऑल इंडिया ट्रैवल, लो बजट एंड चीप बजट। तो मेरा नाम है अजीत, आई एम फ्रॉम ओडिशा। तो मेरा एज है 28 और मेरा ऐसे कोई प्रोफेशनल नहीं था। अभी ये मैं रिसेंटली मेरा ये जर्नी स्टार्ट किया, पहले मैं जॉब कर रहा था। तो मेरा माइंड में ऐसा आया कि मैं भी इंडिया घूमना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास इतना पैसे नहीं थे, जिसको लेकर मेरे मन में काफ़ी कंफ्यूज था। तो लेकिन मैंने कुछ आजकल जैसे आपको पता है यूट्यूब में काफ़ी सारे सोशल मीडिया है कैसे क्या है, थोड़ी बहुत जानकारी वहाँ से जुटाई और कैसे मैं अपने बजट को बिल्कुल मिनिमम कम से कम कर सकता था और कम पैसों में कैसे हम ट्रैवल कर सकते हो, उसका हर एक चीज़ का मैंने जानकारी अपने साथ लिया। उसके बाद मैंने फाइनल डिसीजन किया कि मैं भी भाई भारत यात्रा कर सकता हूँ, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैंने अपना सेटअप तैयार किया और मैं निकल पड़ा हूँ। और मेरे को घर से निकलो है आज को 67 डे हो चुका है और मैं 3 स्टेट कवर कर चुका हूँ। और अभी मैं हूँ फिलहाल गोरखपुर। ये जो आप देख रहे हो ये गवर्नमेंट शेल्टर है और हमारा इंडिया में हर एक स्टेट में हर एक म्यूनसिपैलिटी की तरफ से गवर्नमेंट शेल्टर बनाया गया होता है ताकि होमलेस पीपल को स्टे करने के लिए कोई दिक्कत ना हो। तो आप ये मैप पे भी सर्च कर सकते हो और आगे पीछे पूछताछ करने पर भी आपको पता चल जाएगा, क्योंकि ये हर एक सिटी में अवेलेबल होता है फैसिलिटी। और यहाँ पे जो स्टे करने का सिस्टम है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कोई नहीं पे करना पड़ेगा। बस आपको अपना आधार कार्ड की फ़ोटो स्टेट करवाना है और वो सबमिट कराना है। और यहाँ का जो रहने का तरीका है, हाईएस्ट आपको 3 डे स्टे करने की परमिशन मिलता है, उसके आगे आप नहीं रुक सकते हो। और कुछ जगह ऐसे है, कुछ शेल्टर ऐसे हैं जिनकी रूल्स और कंडीशन थोड़ा डिफरेंट है बाकी हर एक शेल्टर के मुताबिक। तो उन शेल्टरों का जो रूल्स है वो वहाँ पर आप 3 डे से सिर्फ आप नाइट ही स्टे कर सकते हो, क्योंकि वो शेल्टर छोटे होते हैं और वो ऐसे के शेल्टर आपको तकरीबन ज़्यादा स्टेशन के बाहर या बस स्टॉप के बाहर देखने को मिलेगा, जो बिल्कुल सिर्फ डॉर्मेटरी टाइप का बेड लगाया होगा या सिर्फ बेड लगा होगा, जो आपको सिर्फ नाइट को स्टे करने का परमिशन देंगे, लंबा लॉन्ग टाइम आप रुकने को परमिशन नहीं देंगे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और लंबा आपको रुकना है तो किसी अंदर वाला शेल्टर को आपको फाइंड आउट करना आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा। तो ऐसा कंडीशन। और मैं ये चाह रहा था कि मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूं और अपना एक इंट्रोडक्शन वीडियो से
वीडियो जो बनाने का कंसेप्ट होता है हर एक यूट्यूबर का कि भाई आपके बारे में भी थोड़ी बहुत लोगों को मतलब इन्फॉर्मेशन शेयर होना चाहिए, तो इसलिए मैंने एक ये इंट्रोडक्शन वीडियो अपना बनाया हुआ, एक दो ब्लॉग मैंने डाल दिया हुआ, कुछ रील्स मैंने डाल दिया हुआ। उसके बाद मेरे दिमाग में ये आइडिया आया कि अपना एक इंट्रोडक्शन वीडियो होना ज़रूरी है, तो इसलिए ये वीडियो मैंने दोबारा शूट कर रहा हूँ और आप लोगों को मैं अपने बारे में बता रहा हूँ। तो सीन कुछ ऐसा है, तो अभी तो रात हो चुका है, अभी तो ट्रैवल हम कर नहीं सकते, और मैं जो सेल्टर अभी रुका हूँ यहाँ का सीन आपको थोड़ा बहुत दिखा देता हूँ। तो जैसे कि आप ये देख रहे हो यहाँ पे काफ़ी सारे बेड लगा हुआ है, ये काफ़ी बड़ा सेल्टर है, क्योंकि ये सेल्टर इतना बड़ा होने का मेन कारण है क्योंकि ये बाबा योगी आदित्यनाथ जी का गढ़ है और यहाँ पे बिल्कुल 1 किलोमीटर की दूर पर है बाबा गोरखनाथ मंदिर, तो उस चीज़ को ध्यान रखिए ये सेल्टर को इस हिसाब से बनाया गया है। बाकी जहाँ का सीएम होता है उसका तो होम टाउन ऑटोमेटिकली डेवलपमेंट होता ही होता है, इसमें मैं आपको ज़्यादा कुछ नहीं बताना चाहूँगा। तो आशा करता हूँ आप लोग मेरे को अपना प्यार देंगे, सपोर्ट करेंगे और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक कमेंट करना, यही मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा। और जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरे लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए और वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो मिलते हैं गाइस कल एक फुल ब्लॉग के साथ आप लोगों के साथ और काफ़ी मज़ा आने वाला है क्योंकि इस ट्रिप में मैं ऑलरेडी काफ़ी कुछ एडवेंचर कर चुका हूँ और काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस में अडॉप्ट कर चुका हूँ और सीख चुका हूँ काफ़ी कुछ हमारा भारत का कल्चर और काफ़ी कुछ मतलब जानकारी एक मेरे को मिल चुका है। तो मिलते हैं कल मॉर्निंग में आप लोगों के साथ एक नया वीडियो के साथ, एक नए जर्नी के साथ, एक नए सफ़र के साथ। तो जय हिंद जय भारत। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत।